नमस्ते, मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 की क्रांति के विभिन्न कारणों का अध्ययन किया जा रहा है। पिछले वीडियोस में इस क्रांति के लिए उत्तरदायी राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों का अध्ययन किया गया था। इस क्रांति के लिए विभिन्न आर्थिक कारण भी उत्तरदायी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका मूलभूत उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था, और 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना के बाद जब भारत में व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी जिसका कई तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाभ उठाया, और उस समय विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा में ब्रिटेन सबसे आगे रहा, और इन राजनीतिक जो कमियां थी भारत की, उनका लाभ उठाते हुए एक व्यापारिक कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी की हैसियत धीरे धीरे बढ़ने लगी, और प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में उन्होंने साम्राज्य निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, और 1857 तक भारत के विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसीलिए स्पष्ट है कि आर्थिक फायदे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी सदैव तत्पर रही, और भारत क्योंकि ये कॉलोनी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो सबसे प्रमुख रिलेशनशिप होता है किसी भी साम्राज्यवादी राष्ट्र में और उसके उपनिवेश में, वह यही होता है कि उपनिवेश से अधिकाधिक लाभ जो है वे अर्जित किए जाएं। और आर्थिक क्षेत्र में भी ब्रिटेन का और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मूल उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक आर्थिक लाभ भारत से लिए जा सकें। और इसके लिए जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, तब उसके बाद में उन्होंने कई सारी व्यापारिक चीज़ों में अपनी सुप्रीमेसी जो है वो स्थापित की। जिस समय यूरोपीय भारत में आए, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अत्यधिक संपन्न थी। भारत एक कृषि प्रधान देश था, और उसके उद्योग और व्यापार अत्यधिक विकसित थे, और इससे पूर्व भी भारत का विदेशी व्यापार अत्यधिक उन्नत था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आने के पश्चात भारत को एक उपनिवेश के रूप में स्थापित किया, और इसके कारण से यहाँ के उद्योग और व्यापार धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, और भारत को केवल एक कृषि प्रधान देश बनाया गया, और इसके लिए जो भी कच्चा माल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए आवश्यक था, उनकी खेती और उनका उत्पादन यहाँ करवाया जाने लगा, और जिससे भारतीय उद्योग की स्थिति धीरे धीरे ख़राब होने लगी। और उस समय जितने भी कुटीर उद्योग थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी भारत की, वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और भारत की स्थिति एक कृषि प्रधान देश के रूप में हो गई, जिसके उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए बंगाल, बिहार, ओडिशा आदि के कई प्रांतों में, इनके कई प्रदेशों में नील की खेती करवाई, और इसकी खेती करने से भारतीय कृषि की स्थिति अत्यधिक ख़राब हुई, और मूल रूप से इस तरह के कमर्शियल क्रॉप्स को भारत में उगाया गया जिनका उपयोग ब्रिटेन की फैक्ट्रीज़ में किया जाना था, और इसके कारण से कृषि की भी स्थिति धीरे धीरे भारत में अत्यधिक कमज़ोर होने लगी। किसी भी साम्राज्यवादी राष्ट्र
और उसके उपनिवेश में जो संबंध होता है उसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो उपनिवेश से अधिकाधिक कच्चा माल प्राप्त करना और दूसरा वहाँ पर अधिकाधिक तैयार माल को बेचना। तो इस तरह से एक मार्केट के रूप में भी भारत का विकास किया गया और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में जो भी उत्पाद तैयार होते थे उनके लिए भारत को एक मार्केट बनाया गया, जिससे भारत की जो इंडस्ट्रीज़ की स्थिति थी न केवल वो कमज़ोर हुई बल्कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें भी बहुत अधिक गिरावट आई। भारत से जो इंग्लैंड जाने वाला सामान था उस पर अत्यधिक कर लगाया जाता था, जिसके कारण से उसकी डिमांड वहाँ बहुत कम थी और जो इंग्लैंड से भारत सामान आता था उसके ऊपर कर को बहुत कम रखा गया था, जिसके कारण से वह सामान बड़ी आसानी से भारतीय मार्केट्स में पहुंच जाता था और इस प्रकार से जो ब्रिटेन की स्थिति थी वह अत्यधिक मजबूत थी और भारत की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमज़ोर हुई। 1840 ईस्वी में भारत में आने वाले ब्रिटिश जो सूती और रेशमी कपड़े थे उन पर केवल 3.5% जो टैक्स है वह रखा गया था और जो गर्म कपड़े थे उन पर जो टैक्स है वो केवल 2% था। और इसके विपरीत जो भारत से इंग्लैंड में सूती वस्त्र जाया करते थे उस पर 10% कर लगाया जाता था, रेशमी वस्त्रों पर 20% टैक्स था और गर्म कपड़ों पर 30% टैक्स था। तो इसीलिए स्वाभाविक है कि भारत में तैयार होने वाले सामान की इंग्लैंड में जो डिमांड है वो कम होने लग गई इन सब चीज़ों के महंगे हो जाने के कारण, और ब्रिटेन से जो सामान था उसकी खपत भारत में बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसके कारण से जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उद्योगों के समाप्त और बंद होने से कई लोग बेरोज़गार हो गए, जिससे आर्थिक स्थिति में और अधिक गिरावट आई। इस प्रकार से भारतीयों को दोहरा नुकसान हुआ। कृषि के क्षेत्र में जो किसान थे उन्हें नुकसान लगातार हो रहा था और जो भारतीय उद्योग थे वे भी प्रभावित हुए और भारत में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। और इसका विवरण जो है दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में दिया है, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है उस थ्योरी को शुरू किया था, जिस पर बाद में एमजी रानाडे जी और अन्य लोगों ने भी अध्ययन किया, और उसमें यह स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार से भारत का जो सारा धन है वह धीरे धीरे ब्रिटेन जा रहा था और अत्यधिक आर्थिक नुकसान इसका भारत को हो रहा था। भारत में आर्थिक गिरावट के लिए अंग्रेज़ों के लगान वसूल करने की नीति भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी थी। अंग्रेज़ों की जो लगान की नीति थी वह एक तो अस्पष्ट थी और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से कर या लगान को वसूल किया जाता था, और हालांकि पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था लेकिन कहीं पर भी लगान वसूली में कोई एक यूनिफॉर्म या समान नियम का पालन नहीं किया गया और अलग अलग जगहों पर लगान नीति के कारण कई सारी दिक्कतें आती रहीं। और इनका अध्ययन जो फेमाइंस या अकाल के दौरान जो स्थितियां ख़राब होती थी उसमें भी किया जाता है। लगान इतनी अधिक ज़बरदस्ती वसूल किया जाता था उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पानीपत के ज़िले में लगान वसूल करने के लिए अंग्रेज़ों ने 150 घुड़सवारों की सेना रख रखी थी और पुलिस का प्रशासन देखने के लिए
केवल वहाँ पर 22 घुड़सवार थे, और इससे यह समझा जा सकता है कि जो बाकी स्थितियाँ थीं उनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन लगान वसूली के समय अत्यधिक बल प्रयोग भी किया जाता था, जिसके कारण से लगान नीति अंग्रेज़ों की शुरू से ही भारतीयों में अलोकप्रिय रही, और इसके विरुद्ध कई सारे छोटे छोटे विद्रोह भी होते रहे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के पश्चात भारतीयों की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आने लगी, और धीरे धीरे भारतीयों को इस बात का भी अनुभव होने लगा कि उनकी ऐसी स्थिति अंग्रेज़ों के आने के कारण हुई है, और इसीलिए उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाए।